स्पेशली बहुत ही डिजाइन किया हुआ वीडियो है। तो गाइस बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में, पेरेंट्स के मन में, इवन टीचर्स के मन में भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि एकदम अनसुलझे हैं और अभी सब कंफ्यूजन में हैं, एक धुंध में हैं कि क्या उन सवालों का सही जवाब क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। गाइस बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, लेकिन चार बड़े बड़े अपडेट्स मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर में और आप को उसके बाद में टोटल कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल, मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस यहां पे अभी तक जो एक लेमन लैंग्वेज में, एक आम भाषा में जो पता है सबको, वो ये पता है कि 2022 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए, वो दो टर्म एग्जाम्स में होंगे, टर्म 1 टर्म 2। किसी को भी पूछने से अभी जो बेसिक लैंग्वेज में जो कोई कुछ बात बताएगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताएगा, लेकिन इससे आगे की स्थिति क्या है, क्या आपको पता है कि तीन तीन सिचुएशंस पे सीबीएसई गौर कर रही है, अगर एग्जाम टर्म 1 हुआ, टर्म 2 नहीं हुआ तो क्या होगा, टर्म 1 अगर किसी तरह से नहीं हुआ, टर्म 2 हो गया तो क्या होगा, दोनों टर्म्स एग्जाम्स नहीं हुए तो क्या होगा, आपका रिजल्ट कैसा बनेगा, एग्जाम सेंटर ऑफ आपका जो है वो खुद के स्कूल में होगा, होम सेंटर होगा या एक्सटर्नल होगा, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। और इस वजह से ये वीडियो को क्रिएट करने के लिए पहले, बनाने के लिए पहले हमने एक्सपर्ट से बात किया, सीबीएसई के ऑफिशियल से बात किया और तब जाकर के हम आपको ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहे हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है। जैसे कि आपको पता है गाइस कि सीबीएसई ने ये अपडेट तो हमें पहले दे दिया था, ठीक है, कि 22 जुलाई को उन्होंने अपडेट दिया कि भाई ये जो इस बार फाइनल एग्जाम है वो एक बार में नहीं होकर के दो टर्म एग्जाम्स में होगा, टर्म 1 जिसका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर के बीच में, नवंबर में ही चांसेस ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम होगा टर्म 2 में जो कि मार्च अप्रैल 2022 में होगा, ठीक है, इन दोनों के मार्क्स जो है मिला करके फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा। अब यहां पे एक बात उठता है कि टर्म 1 का एग्जाम कितने घंटे का है, वो क्या होगा, कैसे होगा, वो सब, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि पहला तो टर्म 1 के जो एग्जाम्स होंगे वो एग्जाम्स होंगे OMR शीट्स में, ठीक है, यानी कि आपको चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ABCD, उसमें से किसी एक को आपको चुनना है और वहां पे बबल जो दिया हुआ है वहां पे आपको गोल घेरा दे देना होगा या टिक कर देना होगा, ठीक है। ये एग्जाम टर्म 1 एग्जाम आपका हो रहा है 90 मार्क्स का। अब आते हैं हम टर्म 2 एग्जाम्स पे, ठीक है, तो टर्म 2 एग्जाम जो है वो एग्जाम जैसा मैंने बताया मार्च अप्रैल 2022 में होगा, ये एग्जाम होगा दो घंटे का। स्टूडेंट्स पैंडेमिक के सिचुएशन में धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, आप में से शायद बहुत सारे बच्चे स्कूल्स जा रहे होंगे या फिर कुछ घर से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल तब हो जाता है जब आपको पढ़ाई के बाद में जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आपके इन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आज के डाउट फीचर, यहां पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कभी भी कहीं से भी और वो भी फ्री में। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती, अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज के बेनिफिट को भी ले सकते हो। ये ऑफर सीबीएसई क्लास 6-12 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है और ये ऑफर 29 अगस्त से 5 सितंबर तक के बीच के लिए ही वैलिड रहेगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तुरंत अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को टू यूज आस्क ए डाउट फीचर फॉर फ्री। साथ ही आप किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन को लेते समय मेरे इस रेफरल कोड विशाल KR को यूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब एक खास बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मामले में अभी भी कंफ्यूजन में हैं, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, ये दो घंटे का एग्जाम है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी कि MCQ टाइप एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। टर्म 2 का एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है सब्जेक्टिव, यानी कि जिसमें कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग वाले क्वेश्चंस, ये दोनों मिला करके आपके एग्जाम जो है वो होंगे, ठीक है। अब यहां पे है कि कंफ्यूजन है कि भाई अभी जिस तरह का सिचुएशन निकल रहा है, थर्ड वेव की बातें उठ रही हैं, तो थर्ड वेव के बातों को देखते हुए अभी अगर मतलब टर्म 2 एग्जाम नहीं हो पाया या टर्म 1 एग्जाम के समय में स्कूल नहीं खुल पाए तो सिचुएशन क्या होगा, किस तरह से सीबीएसई रिजल्ट करेगी क्लास 9 से लेकर 12, स्पेशली बोर्ड एग्जाम क्लास 10 और 12 का किस तरह से रिजल्ट तैयार होगा। तो यहां पर देखिए सीबीएसई का कहना है कि अगर किसी तरह से ऐसा होता है कि भाई सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गया, सीबीएसई का कहना है सिचुएशन वर्स्ट हो गया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे, तो टर्म 2 एग्जाम जो है वो भी MCQ बेस्ड एग्जाम हो सकता है।
ठीक है, गौर कर रहे हैं आप लोग, टर्म टू एग्जाम जो है वो भी एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है। अब यहां कुछ चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लो। अभी तक हम लोग पिछले डेढ़ साल दो साल में क्या देख रहे हैं, लगभग दो सेशन ही कहा जा सकता है कि एग्जाम्स ना हो या नहीं हो पा रहा था, तो पीएल्स भी पड़े, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी लोगों ने खटखटाया, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार एक चीज पूरी तरह से क्लियर है जो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स होंगे जरूर, ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, लेकिन इस बार एग्जाम होंगे। इसीलिए ये टर्म वन और टर्म टू का खेल खेला है सीबीएसई ने, ठीक है। एग्जाम दो बार में ही भले ही हो लेकिन होंगे, और स्कूल खुले अगर, अब यहां पे जैसे बहुत बच्चों का सवाल था कि सर अगर स्कूल खुल गए तो भी क्या टर्म वन टर्म टू काम करेगा, बिल्कुल स्कूल खुले तो भी आपके एग्जाम्स दो टर्म के रूप में ही लिए जाएंगे। और एक खास बात, एग्जाम जो है वो आपका एक्सटर्नल सेंटर्स में होने के 99% चांसेस हैं, यानी कि होम सेंटर नहीं होगा, एकदम आप क्लियर कर दो। अब बहुत बड़ी बात आ रही है कि यहां पर मतलब अगर स्कूल्स नहीं खुले, ठीक है, अगर टर्म वन में स्कूल्स नहीं खुले तो क्या होगा, ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है। अब मैं आपको तीन सिचुएशंस बता रहा हूं, थ्री सिचुएशंस, ठीक है, टर्म वन का एग्जाम, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है ये कि अगर ये ऑनलाइन एग्जाम के मोड में लिया, मतलब टर्म वन में स्कूल नहीं खुला, ठीक है, आपने ऑनलाइन एग्जाम में दिया, तो वैसी स्थिति में फाइनल रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट टर्म के मार्क्स को कम वेटेज दिया जाएगा, ये सीबीएसई ने बोल दिया है। आप लोग ठीक से इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है अभी जो मैं तीन सिचुएशंस बता रहा हूं। तो मतलब टर्म वन एग्जाम अगर ऑनलाइन मोड में हुआ तो वैसी स्थिति में फाइनल रिपोर्ट कार्ड में इसका मेंशन तो होगा ये मार्क्स, लेकिन इसको कम वेटेज मिलेगा, सेकेंड टर्म के मार्क्स को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। यह था सिचुएशन नंबर वन। अब आते हैं सिचुएशन नंबर टू पे। सिचुएशन नंबर टू सीबीएसई के अनुसार है कि अगर टर्म टू की परीक्षा सेंटर पर नहीं हो पाई तो क्या होगा, ठीक है, टर्म टू का एग्जाम सेंटर पे नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट टर्म एग्जाम स्कूल में हो गया और सेकेंड टर्म के एग्जाम के समय में मान लीजिए कि कोविड भगवान ना करे अगर फैल गया या प्रॉब्लम्स हो गए, नहीं हो पाए एग्जाम, तो ऐसी स्थिति में टर्म वन के एग्जाम्स प्लस इंटरनल एग्जाम, ठीक है, इन दोनों को मिला के टर्म वन एग्जाम और इंटरनल मार्क्स, आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आता है सिचुएशन नंबर थ्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर दोनों ही टर्म एग्जाम्स स्कूल में आयोजित नहीं हो पाए तो क्या होगा, दोनों ही एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति होती है गाइज, तो फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए जो फॉर्मूला बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, कंफर्म हो चुका है, वो है इंटरनल असेसमेंट प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम के मार्क्स प्लस दोनों टर्म में जो आपने ऑनलाइन मोड में जो मार्क्स आपने अचीव किया वो मार्क्स जोड़ करके आपका रिजल्ट बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों ही टर्म एग्जाम्स नहीं हो पाए, मतलब सिर्फ ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ, सेंटर पे नहीं हुआ, ठीक है, स्कूल नहीं खुल पाए, तो वैसी स्थिति में आपका फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स और दोनों टर्म मार्क्स जो आपने ऑनलाइन मोड में एग्जाम दिया था, ठीक है, इन तीनों चीजों को जोड़ करके आपका बनेगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो गाइज ये है खेल पूरा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 का, ठीक है, एंड आई होप कि ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जैसा कि हर साल आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया भी नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, वो हम शुरू कर चुके हैं। हम बारी बारी से आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट के, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, हम सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स, एमसीक्यूज, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे दोनों ऑफिशियल चैनल्स फॉर स्टडीज और ये चैनल विशाल कुमार जायसवाल, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड यस बेल आइकॉन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद में, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे जो अपडेट्स हैं वो अपने आप आपके स्मार्टफोन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चीज समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, जय हिंद जय भारत।